मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट फोर्स. व्हाट इज फोर्स? द पुश और पुल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड. पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो जो क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है. या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हमें मूविंग में करना है तो हम उसमें फोर्स लगाते हैं हम. या किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टॉप करना है, रेस्ट की पोजीशन में लाना, तो भी हम उसमें क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं. तो पुश एंड पुल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स यूनिट क्या होती है फोर्स की? हमारी न्यूटन. इसको हम एंड denoted by capital N. What is the unit of force? The unit of force is a newton और उसको हम N से denote करते हैं. Force क्या होती है हमारी? It is a vector quantity. Force क्या होता है हमारा? Vector quantity होता है. What is vector quantity? The quantity which shows magnitude एज वेल एज डायरेक्शन. यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो क्वांटिटी डायरेक्शन को भी शो करती है वो क्या कहलाती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही शो करती है. हमें अगर फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है. ये जो एरो है, दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा रखा है ये एरो को, और ये जो है ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है वो हमने अप्लाई किया है. तो ये जो है एरो, ये एरो किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? अगर ये एरो इधर होता तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो है लेफ्ट साइड में जो है वो लग रहा है. ये एरो इधर है तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो है राइट साइड में लग रहा है. जो एरो है वो फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो डैश की लेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड को जो है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को जो है शो करती है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फर्स्ट इफेक्ट, फोर्स can change the state of motion or rest of an object. Force क्या करता है? किसी भी object की state of motion, यानी कि motion में है तो उसके motion को change कर सकता है, रेस्ट में है तो उसके उस स्टेट को वो चेंज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टेशनरी बॉल रखी है और हम उसको किक करते हैं तो वो उसकी क्या हो जाएगी? स्टेट चेंज हो जाएगी. पहले वो रेस्ट में था, जैसे ही हमने उसको किक किया तो वो किस में आ गई? मोशन में आ गई. यानी कि हमने उस पर फोर्स जो है अप्लाई किया तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो गया. सिमिलरली स्टेट ऑफ मोशन को भी वो चेंज कर सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो फील्डर होते हैं, वो क्या करते हैं? मूविंग बॉल को जो है फोर्स अप्लाई करके उसको क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं. यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन में जो है फोर्स जो वो ले आता है. यानी कि फोर्स जो है मोशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है, और रेस्ट से उसके स्टेट को मोशन में भी कन्वर्ट कर सकता है. सेकेंड वन इज फोर्स can change the direction of motion force jo hai kisi moving object ki direction ko bhi change kar sakta hai. फॉर एग्जाम्पल, हॉकी के अंदर हॉकी की जो बॉल है वो मूव करती रहती है, जैसे ही हम उसको हॉकी स्टिक से किक करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगाते हैं
डायरेक्शन में जो है बॉल है उसी डायरेक्शन में अपना स्टार्ट कर देती है। सिमिलरली क्रिकेट के अंदर जब हमारा बॉलर जो है वो बॉल थ्रो करता है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बट जैसे ही बैट्समैन उसको हिट करता है उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया उसका डायरेक्शन जो है चेंज हो गया। तो जो फोर्स है वो हमारे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी जो है वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को काफ़ी एक आयरन से या कोई हैवी ऑब्जेक्ट से उसको पुश करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं हिट करते हैं, तो क्या होता है उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। या फिर हम क्या करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं शेप भी चेंज हो जाएगी और उसका साइज भी, यानी कि इसको अगर हम हीट करते रहे तो इतने बड़े से वो साइज का जाता है हमारा छोटा भी हो जाता है हीट करने से। तो फोर्स क्या करता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाता है। तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मोशन और रेस्ट दोनों की स्टेट को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट हमारा, मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है और किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को जो है वो चेंज कर सकता है। नाउ फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज एक्शन एट ए डिस्टेंस, या इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी हम कह सकते हैं। तो टू टाइप्स से क्लासिफाइड करते हैं फोर्स को, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एक्शन एट ए डिस्टेंस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एट इट्स नेम एंड डिकेट कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने से एक दूसरे पर अप्लाई होते हैं वो फोर्स क्या कहलाते हैं हमारे, कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस यानी कि कॉन्टैक्ट भी ना है एक डिस्टेंस से एक दूसरे का एक्शन हो तो वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं हमारे, नॉन कॉन्टैक्ट, यानी उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, वो एक डिस्टेंस से ही दूर से एक दूसरे पर क्या करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स क्या कहलाता है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ड्यू टू द फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आने पर एक दूसरे पर अप्लाई होते हैं वो फोर्सेस क्या कहलाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल जो हमारा मस्कुलर फोर्स है वो क्या एक तरह का हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो उसमें हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट से होता है तो वो फोर्सेस क्या कहलाता है हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। एक्शन एट ए डिस्टेंस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्सेस विच आर अप्लाइड ड्यू टू फ्रॉम ए डिस्टेंस, द फोर्स विच अप्लाइड विच डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट, विच डू नॉट नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट फॉर एक्शन, यानी कि एक्शन के लिए हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो दूर से एक दूसरे पर अपना जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
एक तरह का हमारा क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी कि जरूरी नहीं है कि अर्थ के कॉन्टेक्ट में ही हो तभी ऑब्जेक्ट पर क्या लगे, फोर्स लगे, वो एक डिस्टेंस से भी उस पर फोर्स लगता है। और सेंट्रिपिटल जो फोर्स है हमारा, जिससे जो हेवनली बॉडी जो है एक दूसरे के सेंटर से एक दूसरे पर अप्लाई करती है, वो फोर्सेस भी क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, हैव अ गुड डे।